हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर। ठीक है, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दैट मीन बीसी कर रहे थे। तो इसका हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन का, फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया था। इसका हमने पार्ट वन कम्प्लीट कर लिया था, आज हम करेंगे इसका पार्ट टू। पार्ट टू आज हम करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। हम देख लेते हैं पार्ट टू में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो पार्ट वन में हमने देखा था जो भी हमारे पास था अपना क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे बिल्डिंग्स की, वो हमने देखी थी पार्ट वन में। पार्ट टू में आज हम देखेंगे उसको, उसकी जो भी हमने देखी थी क्लासिफिकेशंस उसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाता हमारे पास ग्रुप ए में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स क्या होता है, तो आपको भी पता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है, जिसमें आदमी रहता है। ठीक है, सिंपली जिसमें आदमी रहता है वो आगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में आप नॉर्मली आप खुद भी लिख सकते हैं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर में क्या क्या लिखना है। ठीक है, The buildings in which sleeping accommodation is provided for normal residential purpose. ठीक है, तो अगर residential building वो होती है जहाँ पे हमारे पास sleeping accommodation होता है, मतलब सोने के लिए भी जहाँ पे हमारे पास provision होता है, और सोने के साथ साथ ही हमारे पास सोने के लिए provision होता है with or without cooking। हो सकता है वहाँ पे cooking का option हो या ना हो, उसका कोई matter नहीं है, लेकिन residential building में हमारे पास sleeping का option होता है कि मतलब हम वहां पे सो सकते हैं। ठीक है, आर डाइनिंग आर बोथ फैसिलिटीज आर ग्रुप एज ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में मतलब सोने के लिए जरूर होता है, अगर उसमें बाकी चीजें ना भी हो तो सोने के लिए जरूर होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग। However, the buildings classified under institutional group. ठीक है, तो जो भी buildings है उसको classify करते हैं under the institutional group के अंदर, are excluded from this group. ठीक है, institutional group इसमें नहीं आते, जो institutional group की जो buildings होती हैं वो इसके अंदर नहीं आती हैं residential के अंदर। ठीक है, वो अलग type से आ जाती हैं, क्योंकि वो भी इंस्टीट्यूशनल जो बिल्डिंग्स होती हैं वहां पे भी बंदा सो सकता है, लेकिन वो रेजिडेंशियल के अंदर नहीं आता, वो अलग टाइप में आ जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डिटैच्ड हाउसेस, सेमी डिटैच्ड हाउसेस, चावल्स, डुप्लेक्स टाइप एंड फ्लैट्स, लॉजिंग एंड होटल्स आर आल्सो कंसीडर्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो जो भी जितने भी जैसे फ्लैट वगैरह होते हैं, फ्लैट्स वगैरह आपको पता होगा, तो जितने भी फ्लैट वगैरह होते हैं और लॉजिंग एंड होटल्स वगैरह जो भी होते हैं, उसके बाद डिटैच्ड हाउसेस हो गए हमारे पास, जो कि हाउस हम इजली जैसे टेम्परेरी हम हाउस बना के उसको दोबारा से डिटैच करके नया हाउस भी बना सकते हैं। सेमी डिटैच्ड हाउसेस, कुछ हाफ डिटैच्ड हाउसेस, तो वो सारे हमारे पास आ जाते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में। ठीक है, also consider the residential building with the following definition, a lodging. ठीक है, तो कुछ following definitions हैं इसकी। First हमारे पास है lodging से, LODGING, lodging. These are the buildings in which under the same management separate sleeping accommodation for a total of not more than 40% is provided. ठीक है, तो lodging का मतलब होता है कि एक सेपरेट हमारे पास बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पे खाली मैनेजमेंट होती है या फिर जिनके होटल वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो रूम्स हैं वो अकोमोडेशन पे दे देते हैं, मतलब 40% से ज़्यादा उनके पास रूम्स नहीं होते, 40% के लिए ही खाली रूम्स होते हैं। अकोमोडेशन में भी ऑन द ट्रांजिट ऑफ परमानेंट बेसिस, जो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड होती है वो टेम्परेरी बेसिस, ट्रांजिट बेसिस, दैट मीन्स टेम्परेरी बेसिस पे और परमानेंट बेसिस दोनों पे अकोमोडेशन प्रोवाइड होती है, तो वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी अकोमोडेशन लेनी है। एंड इट मे बी विद और विदाउट द डाइनिंग फैसिलिटी, तो उसमें किसी किसी में डाइनिंग फैसिलिटी भी होती है कि मतलब वो खाना भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको पैसे देने हैं खाना भी प्रोवाइड करेंगे, तो किसी किसी में वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती। However, there should not be a cooking facility. पर उसमें cooking facility हमारे पास नहीं होती, जो lodging portion है उसमें हमारे पास cooking facility नहीं होती, जो भी वो देंगे वो हमें खाना पड़ेगा। ठीक है, should not have the cooking facility.
ऑन इंडिविजुअल बेसिस, तो इंडिविजुअल बेसिस पे कोई भी कुकिंग फैसिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट इसमें है वो है होटल्स। ठीक है, होटल्स की अगर बात करें तो ये भी बिल्डिंग्स ही होती हैं होटल्स। ठीक है, लॉजिंग का मतलब हो गया कि ये बिल्डिंग्स होंगी, लेकिन ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। अब होटल्स की बात करें, ये भी तो बिल्डिंग्स ही है, लेकिन ये एक सिंगल मैनेजमेंट हैंडल करती है, एक सिंगल मैनेजमेंट। ठीक है, सिंगल मैनेजमेंट इन विद स्लीपिंग अकोमोडेशन विद विदाउट डाइनिंग फैसिलिटी। इसमें भी स्लीपिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है कि आदमी यहाँ पे रह सकता है, रात को दिन को यहाँ पे रहना हो रह सकता है। ठीक है, और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटी। ठीक है, विद और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटी। अगर आप किसी किसी होटल में डाइनिंग फैसिलिटी भी होती है, वो आपको खाना भी दे देते हैं, किसी किसी में वो ऑप्शन नहीं होता। प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 15%, तो मोर देन 15% होटल में उनको अकोमोडेशन मिल सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बोलें होटल्स की, होटल्स INNS क्लब्स एंड मोटल्स, तो ये सारे इसमें इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की। ठीक है, तो ये और हमारे पास टाइप है D3 टाइप है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। वैसे आप इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर भी मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं उनको आपको रिमेम्बर कर लेना, बाकी आप ना भी करोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें D3 की। D3 बिल्डिंग विदाउट स्टेज हैविंग अकोमोडेशन विद 300 आर मोर पर्सन बट विदाउट परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, दिस सब डिविजन ऑफ असेंबली बिल्डिंग इंक्लूड्स असेंबली बिल्डिंग्स विद थिएट्रिकल स्टेज सिनेमाटोग्राफिक एक्सेसरीज एंड परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो जो D3 टाइप्स की हमारे पास बिल्डिंग होती हैं, D3 टाइप की बिल्डिंग, उसमें हमारे पास बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस होते हैं। इसमें जो अकोमोडेशन हमें प्रोवाइड की जाती है वो मोर देन 300% अगर हमारे पास होंगे तो उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड होगी पैसे दे के। उसके बाद थिएट्रिकल स्टेज उनको प्रोवाइड होंगे, सिनेमाटोग्राफिक एक्सेसरीज वगैरह, कोई भी मूवीज वगैरह देखने के लिए, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होगा ये चीज़। उसके बाद परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट भी वहाँ पे होगा, हम बैठ सकते हैं, सारा कुछ वहाँ पे होगा। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग मे बी फॉर अकोमोडेटिंग मोर देन 300 पीपल, तो ये जो D3 टाइप बिल्डिंग होती है इसमें मोर देन 300 पीपल रह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इन बिल्डिंग की, तो जैसे डांस हॉल्स हो गए, डांस हॉल्स भी बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, तो वो इस काम के लिए आते हैं, D3 बिल्डिंग्स में आ जाते हैं डांस हॉल। नाइट क्लब वगैरह इसमें आ जाते हैं हमारे पास D3 बिल्डिंग्स में। हॉल फॉर ड्रामा, ड्रामा के लिए बहुत बड़े बड़े हॉल हमने रखे होते हैं, वो हमारे पास D3 में आ जाते हैं। देन इंसिडेंटल पिक्चर शो, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए जाते हैं। आर्ट गैलरीज वगैरह वो सारी आ जाती हैं D3 टाइप में आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, म्यूजियम वगैरह D3 टाइप में हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पैसेंजर टर्मिनल्स एंड बिल्डिंग्स यूज फॉर एजुकेशनल पर्पज फॉर लेस देन 8 आवर्स पर वीक आल्सो फॉल अंडर द सब डिविजन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर D3 के टाइप के अंदर ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास है D4। D4 की हम बात करें तो ये D4 टाइप की बिल्डिंग कौन सी होती है, बिल्डिंग विदाउट स्टेज हैविंग अकोमोडेशन फॉर लेस देन 300%। ठीक है, तो इसमें D4 टाइप की बिल्डिंग्स में हमारे पास जो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है वो 300% से कम को अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें स्टेज नहीं होता, इसमें स्टेज नहीं होता। जैसे कि D3 टाइप्स बिल्डिंग में स्टेज वगैरह भी प्रोवाइड होता है कि स्टेज पे आप कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको स्टेज नहीं मिलता। देर आर द बिल्डिंग्स डिस्क्राइब्ड इन सब डिविजन 3 बट विद अकोमोडेशन फॉर लेस देन 300%। उसके बाद हम बात करें D5 टाइप की बिल्डिंग की, अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑल अदर असेंबली बिल्डिंग्स नॉट कवर्ड इन द अबोव 4 सब डिविजन। ठीक है, इसमें हमारे पास D5 में आ जाती है हमारे पास बिल्डिंग्स ऑफ ग्रैंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ग्रैंड स्टैंडर्ड्स की बिल्डिंग्स हमारे पास आ गई, अम्यूजमेंट पार्क्स स्ट्रक्चर्स आ गए, उसके बाद सर्कस टेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये सारी इसमें आ जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ। इफ़ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।